यूपी के सबसे बड़े सियासी कुनबे में एक बार फिर से बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। दरअसल अपर्णा यादव ने तमाम कयासों और अटकलों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव को करारा झटका दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। वैसे परिवार के सदस्यों में मतभेद होना या फिर फूट पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का सियासी अनुभव भी उनके परिवार को जोड़े रखने में कामयाब नहीं रहा। अब अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने के बाद से यूपी की सियासत का घटनाक्रम काफी तेजी से बदलेगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कहा जाने लगा है कि जब अखिलेश यादव परिवार नहीं संभाल पा रहे तो यूपी क्या ही संभालेंगे। ये सब ऐसे समय में हुआ जब तमाम सर्वे अखिलेश यादव की सपा का जोश बढ़ाते नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के 3 मंत्रियों को अपने पाले में खींच लिया था। वैसे भाजपा को अपर्णा यादव के आने से जनाधार बढ़ने की कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बहाने बीजेपी ने नहले पे दहले जैसी स्थिति जरूर पैदा कर दी है। इससे अंदाजा आप इसी बात का लगा सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए बोल दिया है कि परिवारवाद का दलदल, यानी कि बीजेपी के पास अखिलेश पर निशाना साधने का अब एक बड़ा मौका आ गया है। अब देखना ये होगा कि अपर्णा यादव को बीजेपी किस सीट से मैदान में उतारती है। देश से जुड़ी और यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।